हेलो फ्रेंड्स, देखो कल हमने मंदिर साफ किया था ना, और आज हम कर रहे हैं किचन की सफाई। ये मैंने सारे निकाल रखे हैं बाहर सामान। अब ये जो है ना, यहाँ पे ये ड्रॉर वगैरह, ये रैक, यहाँ के और यहाँ का ये सब सामान हटाऊंगी मैं। ये देखो ये कैसा हो गया ना, मैंने चार्ट पेपर बिछाया क्या था, ये सब ऑयली हो गया है। अब इसको सबको हटाना है, क्योंकि यहाँ पे ना वो नहीं है ना, चिमनी नहीं लगी हुई है, तो इसलिए ना यहाँ पे ऑयल हो जाता है। ये देखो ड्रॉर की हालत, ये कितनी चिकनाई हो रही है ना, ये देखो सारे ऐसे हो रहे हैं। और इसके ना, इसके तो नीचे यहाँ पे ये देखो, ये गैस है ना, और सीधा इसके ऊपर ये जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दोनों ज़्यादा ही हो रहे हैं। और यहाँ ये तो साफ़ है, क्योंकि यहाँ पे नहीं होता ना, ये देखो ये साफ़ है। अब मुझे इनका करना है सारे को सफाई। चलो हम करते हैं सफाई। ये देखो ये ना, मैं पहले जूने से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो ऑयल साफ़ नहीं होगा ना। पहले मैंने इसमें विम बार लगा के ये जूने से साफ़ किया है सारा, और पूरा ऑयल निकाला है, और शीशे पे भी ना अभी मैं इसी से साफ़ कर रही हूँ, बाद में करूँगी न्यूज़पेपर से साफ़ ना। अब देखो मैंने पूरे कपड़े से कर दिया पहले साफ़, पहले ऐसे क्लीन हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं न्यूज़पेपर से करूँगी साफ़। देखो ये पूरा हो गया है ना साफ अच्छे से। अब देखो अब मैं इधर वाला कर रही हूँ न्यूज़पेपर, ये है ना न्यूज़पेपर, इससे मैं शीशे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो पूरा क्लीन हो गया है, लेकिन ये शीशे है ना, जब तक न्यूज़पेपर से साफ़ ना करो ना, तब तक ये नहीं होएंगे ढंग से साफ़ ना, उनमें रह जाता है। अब ये देखो मैंने ना ये सारे डब्बे ये सब क्लीन कर दिए, देखो सब क्लीन करके मैंने लगा रखे हैं। अब मैं ऊपर बिछाती हूँ वो, ये देखो मैंने कर लिया यहाँ की सफाई, और ये लगा दिया मैंने सभी अबरी वगैरह। अब बस मैंने डब्बे भी धो के सामान कर दिया, उसमें सूख गए थे ये डब्बे, क्योंकि मैं सुबह ही लगी थी ना, मैंने पहले यहाँ की सफाई कर दी, डब्बे धो दिए थे। अब उसके बाद अब लंच के बाद हम ये डब्बे लगा रहे हैं, सामान वगैरह भर दिया, सब सूख उख गए थे। और देखो अब हमारा ये देखना किचन भी साफ हो गई है मेरी, और मंदिर भी साफ हो गया है। थोड़ा बहुत मंदिर का काम है जो मैं कर लूँ, अभी करते हैं थोड़ी देर में। चलो तो फिर अभी मिलते हैं आपसे फिर। ये देखो मेरे पास ना पिंक कलर की पड़ी है एक शीट, मैं ना इसको बिछाऊंगी यहाँ पे सामान लगाने के लिए ना, ये ठीक रहती है अपना। देखो यहाँ पे बिछाऊंगी मैं इसको ना, ये जो है ना फिर ये गंदा हो जाता है, इसलिए ना सामान रखने से पहले मैं ना ये शीट बिछा देती हूँ, उससे ये गंदा भी नहीं होता है। अब देखो जैसा था ये वैसा का वैसी है, एकदम साफ है ना, इसलिए शीट बिछाती हूँ मैं। ये देखो हो गई मेरी किचन पूरी साफ ऊपर से भी, और ये भी हो गया, सब मैंने सफाई कर दी है, डब्बे वगैरह सब साफ़ हो गए हैं। ये देखो जब सफाई हो जाती है तो कितना अच्छा लगता है ना। और ये मैंने किचन अभी ढकी हुई है, कि ये ना किचन नहीं सॉरी, ये गैस जब काम नहीं होता ना गैस का, तो मैं ढक देती हूँ। और वैसे भी मैंने ऊपर से सफाई की थी ना, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा देता ताकि ना कूड़ा ना जाए, क्योंकि मैंने ना गैस तो मैंने जब ब्रेकफास्ट बनाया था ना तभी साफ़ कर ली थी। और ये टाइल वगैरह ये सब मैंने साफ़ कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, देखो मैं ना मंदिर की तैयारी कर रही हूँ, अपना सामान लगा रही हूँ सुबह के लिए ना, रेडी कर रही हूँ सामान। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेके आई थी ना, और ये लौंग इलायची वगैरह तो मैंने एक उसमें डाल दी है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। पहले आप ये देख लो कि मैं एक तो नारियल चुन्नी जो होता ही है मेन, सबसे मेन तो यही होता है ना नारियल चुन्नी, तो एक तो ये है नारियल चुन्नी, और एक ये लेके आई हूँ मैं माता का श्रृंगार, एक छोटा था एक बड़ा था, लेकिन मैं बड़े वाला लेके आई हूँ, ये इसके अंदर सब है। और दुबट्टी का ना ये मैं पूरा स्टिक वाली दुबट्टी है, इसका मैं पूरा डब्बा ही ले आई हूँ ये, और एक कपूर, पंचमेवे, पताशे, और हमारे यहाँ ना वो है ना चौकी के लिए एक कपड़ा लेके आई हूँ रेड कलर का, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये आसन, ना चमक रहा है देखो। ठीक है एक ये लेके आई हूँ,
और हमारे यहाँ माता है ना, ये मतलब माता नहीं, माता के लिए, माता तो छोटी सी है, उनके लिए मैं कपड़े लेके आई हूँ, बाकी ना फोटो हैं तो फोटो पे चढ़ाने के लिए चुन्नी लेके आई हूँ रेड कलर की, एक सेम ही है, मैं सब सेम ही लेके आई हूँ, तो ये मैं 5 लेके आई हूँ एक जैसी ना, और एक माता, एक ना वो है विष्णु जी की फोटो है ना, उनके लिए येल्लो कलर के लेके आई हूँ, और एक माता को चढ़ाने के लिए ये वाली चुन्नी लेके आई हूँ, जो अब माता को हम चढ़ाते हैं ना श्रृंगार के साथ, नारियल चुन्नी और ये वाली चुन्नी माता की और श्रृंगार, ये सब हम मंदिर में देते हैं ना, मंदिर में चढ़ाते हैं, और ये छोटी सी माला है, एक छोटी सी माला है ये भगवान जी के लिए, देखते हैं जिसको भी आएगी ना, वैसे तो मेरे छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश भी हैं, उनको भी लगा सकती हूँ मैं, और एक मैं ये लेके आई हूँ पीला आसन, ये मैं कान्हा जी के लिए लेके आई हूँ, उनके आसन ना ग्रीन है और एक वैसा है ऑरेंज सा, तो मैं एक ये येलो लाई हूँ, इसमें ऑरेंज आ रहा है वैसे है ना, लेकिन ये येलो है, एक ही लेके आई हूँ मैं, देखो छोटी सी चुन्नी, और एक इसी की तरह है रेड कलर की, और एक आसन जो मैंने छोटी सी चौकी दिखाई थी ना, एक उसके लिए आसन लेके आई हूँ, एक है स्वास्तिक वाला जो मैंने आपको कल वीडियो में दिखाया था, और एक ये है, और है हमारे कान्हा जी की ड्रेस, दो ड्रेस लेके आई हूँ मैं कान्हा जी की ना, एक तो फर्स्ट दिन और एक अष्टमी वाले दिन, एक तो ये है देखो पीच कलर की है, और एक है ये वाली, ये मैं कल बनाऊंगी उनको फर्स्ट नवरात्रि पे, ये मैं इस बार ब्लू और पिंक लेके आई हूँ, और इसके साथ की ना मैं ये पगड़ी भी लेके आई हूँ, और इनकी ये चूड़ी भी लेके आई हूँ, ये देखो ये है चूड़ी पिंक कलर की, और ये पगड़ी है इनकी, जब मैं कान्हा जी को तैयार करूँगी ना तब दिखाऊंगी आपको, ब्लू कलर की है और पिंक कलर के इस पे ना स्टोन लगे हुए हैं, और क्या है, और है ये मैं मल्टी कलर में लेके आई हूँ उनकी माला, और ये मुकुट है, वैसे तो मैं पगड़ी लाई हूँ, पगड़ी लगाऊंगी, लेकिन बाई चांस कभी लगाना पड़ता है ना मुकुट, तो इसीलिए मुकुट तो है वैसे उनके पास, ये हो गया कान्हा जी का, अब मैं ना बस सुबह के लिए निकाल के रख रही थी ना सामान, मैंने कहा फिर सुबह ढूंढना पड़ेगा, इसलिए ये रेड कलर की माता की ड्रेस लेके आई हूँ मैं, देखो, और इसमें ये इनकी चुन्नी भी, और ये माला लेके आई हूँ मैं, 3-4 माला लेके आई हूँ, जो 3 तो इस तरह की है और एक ऐसी है, और अभी एक मैंने आपको दिखाई थी, ये हो गई है, ये हो गया हमारे कान्हा जी के और माता रानी के और सब भगवान जी के कपड़े, मैंने निकाल के रख दिया ना, मुझे बता सकते ये सुबह फिर मुझे वो नहीं रहेगा है ना, और मैंने देखो अलग ही निकाल के रख दिया सब, ये देखो पताशे मैंने इसमें कर दिए, और ये पान भी मंगा लिया है मैंने, पान भी ज़रूरी है ना, और हल्दी की गांठ भी चाहिए, तो ये हल्दी की गांठ भी मंगा ली है मैंने, है ना, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ, और सामग्री तो मेरे पास ना पहले की भी पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं ले आई हूँ, ये देखो ये पंचमेवे हैं जो रोज माता रानी को भोग लगेगा ना, ये इसके हैं पंचमेवे, और क्या है मैं दिखाती हूँ आपको, हैं क्या क्या और लेके आई हूँ, ये देखो ये मेरे पास एक स्टील की थी ना ये मसालदानी, ये रखी हुई थी मेरे पास, मैंने डब्बों में रख रखा है ना सामान, तो ये सब सामान ना मैंने इसमें कर दिया, ये देखो ये लौंग है, और ये काले तिल है, ये जौ है, सुपारी ना मैंने इसी के ऊपर डाल दिया है, अभी ना सुबह को चाहिएगी तो जल्दी से एकदम मिल जाएगी, ये मिश्री है, ये इलायची है, ये तो तिल ना ये उड़द है, ये मैंने इसलिए रखे, मैं शनिदेव पे लेके जाती हूँ ना, तो मैंने इसमें अलग से निकाल के रख रखी है, और ये शहद है, ठीक है, अब ये है ये लोभान है, ये सामग्री में डालने के लिए, और ये सामग्री देखो पिछले बार की बची हुई है, मैं इसको भी सही करके रखती हूँ, चलो फिर अभी मिलती हूँ आपसे।